इस कौम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये अपने हीरोज की इज्जत नहीं करती। आजकल के हालात देख लें या तारीख में, मैं तारीख की मिसाल दूंगा अपने परदादा से मौलाना अहमद रज़ा खान। पटना की कॉन्फ्रेंस थी, पहली सुन्नी कॉन्फ्रेंस 1898 के अंदर। उसमें अहमद रज़ा खान साहब ने क्लियरली कह दिया था कि हमारे हिंदुओं के साथ गुजारा नहीं होगा। 1885 में कांग्रेस की बुनियाद रखी जाती है और 1889 में पहला फतवा देते हैं मौलाना अहमद रज़ा खान कि हिंदुओं से दूर हो जाओ, वो तुम्हारी आज़ादी को सल्ब करेंगे। अंग्रेज़ों से बहुत सख्त नफरत करते थे, ग़ुलामी से बहुत नफरत करते थे, अंग्रेज़ी तालीम के बहुत अगेंस्ट थे और इसके बदले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम फंड्स अंग्रेज़ और हिंदू अंदर डाला करते थे और वहाँ से उन फंड्स के थ्रू जो मुसलमानों को तरबियत दी गई वो एक मगरबी तहजीब थी। और अहमद रज़ा खान के ख़िलाफ़ एक पूरा प्रोपेगेंडा की मुहिम चली। 105 साल गुजर चुके हैं उनको दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, लेकिन आज भी उनका नाम नहीं रुक सका। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।